हेलो दोस्तों, परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, फ्लाइट और ट्रेवल्स की कुछ जरूरी खबरों पर मैं बात करूंगा। डीजीसीए को लेकर क्या कुछ अपडेट है, इसके अलावा दुबई टूरिस्ट वीजा पर जाने वालों के लिए क्या कुछ अपडेट है, साथ में कौन से देश ने कोवैक्सीन जो लोग लगवा चुके हैं इंडिया में उनको आने की परमिशन दे दी है, तो इन सब पर मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी अपील है, अगर आप फ्लाइट और ट्रेवल की खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं, खासतौर पर इंडिया, सऊदी, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, दुबई, तो अभी आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो पहली अपडेट डीजीसीए की तरफ से, भारत की सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से, हालांकि इस पर मैं रात में वीडियो बनाकर आपको जानकारी दे चुका हूं, फिर भी मैं थोड़ी जानकारी आपको दे देता हूं कि डीजीसीए ने जो अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर फ्लाइटें थी, जो कमर्शियल फ्लाइटें थी, उस पर जो सस्पेंशन था उसको बढ़ा दिया है 30 सितंबर तक। इस फैसले के बाद बहुत सारे लोग परेशान हो गए थे, लेकिन इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो हर महीने होती चली आ रही है जून 2020 से ही। इस फैसले का मतलब यह है कि लॉकडाउन से पहले जिस धड़ल्ले के साथ फ्लाइटें चल रही थी, उस धड़ल्ले से फ्लाइटें अभी नहीं चल पाएंगी 30 सितंबर तक, जो एयर बबल एग्रीमेंट के तहत फ्लाइटें चल रही है। इसके अलावा डीजीसीए ने जिन फ्लाइट को स्पेशल अप्रूवल दिया हुआ है, वंदे भारत मिशन की फ्लाइटें, कार्गो फ्लाइटें, वो सारी फ्लाइटें चलती रहेंगी। अभी जो रोक लगाई गई है 30 सितंबर तक, वो सिर्फ और सिर्फ इसका ये मतलब है कि जिस तरीके से लॉकडाउन से पहले फ्लाइटें चल रही थी, उस नॉर्मल तरीके से अभी फ्लाइटें नहीं चल पाएंगी। तो आप परेशान ना हो, ये जो रोक लगाई गई है इस पर नया कुछ भी नहीं है। तो ये डीजीसीए की तरफ से अपडेट है जो कल ही आया था, इसके बारे में मैंने रात में भी बताया था, फिर मैंने सुबह भी बता दिया है आप लोगों को कि इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अगली अपडेट यूएई दुबई को लेकर है। तो आज 30 अगस्त से यूएई जो है वो टूरिस्ट वीजा, जिसको आप विजिट वीजा भी कह सकते हो, उसकी सर्विस रिज्यूम कर रहा है, उसको शुरू करने जा रहा है। तो अब लोग टूरिस्ट वीजा पर भी ट्रेवल कर सकेंगे डायरेक्टली इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, नेपाल से। अभी तक ये चीजें बंद थी। अभी जो भी लोग ट्रेवल कर रहे थे, वो जो लोग छुट्टी पर आए हुए थे, रेजिडेंस परमिट वाले थे, वो लोग ट्रेवल कर रहे थे, लेकिन अब टूरिस्ट वीजा वाले भी ट्रेवल कर सकेंगे इंडिया से डायरेक्ट यूएई के लिए। तो अभी वही लोग यूएई के लिए ट्रेवल कर सकते हैं जो लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं, यानी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगवाई हुई है और आखिरी डोज लगवाने के बाद 14 दिन बीत चुके हैं, तो वो लोग डायरेक्टली ट्रेवल कर सकते हैं इंडिया से यूएई के लिए। यूएई ने कहा है कि अभी जो वैक्सीन अप्रूव्ड है वो डब्ल्यूएचओ के द्वारा अप्रूव्ड होनी चाहिए, यानी जो डब्ल्यूएचओ ने वैक्सीन को अप्रूव किया है वही वैक्सीन आपको लगी होनी चाहिए। तो एक बार आप देख लें कि कौन कौन सी वैक्सीन अप्रूव्ड है डब्ल्यूएचओ के द्वारा, जिसको यूएई गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है। तो डब्ल्यूएचओ की तरफ से जो वैक्सीन अप्रूव्ड है उसमें पहली है मॉडर्ना, दूसरी है फाइजर बायोटेक, तीसरी है जॉनसन एंड जॉनसन, आपको पता होना चाहिए कि जॉनसन एंड जॉनसन की एक ही डोज लगती है, और चौथी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनेका, पांचवी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविशील्ड, और छठी है सिनोफार्म, और सातवीं है सिनोवैक। तो इसमें से कोई भी वैक्सीन आपने लगवा रखी है कंप्लीट डोज, और उसके लगवाने के बाद, आखिरी डोज लगवाने के बाद 14 दिन बीत चुके हैं, तो आप टूरिस्ट वीजा पर ट्रेवल कर सकते हैं यूएई के लिए। यूएई ने एक अच्छा काम किया है कि इन्होंने ये निर्धारित नहीं किया है कि जो वैक्सीन हम अप्रूव कर रहे हैं वो आपको लगी होनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा है कि जो वैक्सीन डब्ल्यूएचओ ने अप्रूव की हुई है वो वैक्सीन अगर आप लगवा चुके हैं उसकी कंप्लीट डोज, तो आप आ सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और है, आपको ट्रेवल करने से पहले आईसीए पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अपना जो भी वैक्सीन सर्टिफिकेट है और जो पीसीआर टेस्ट है इसका डिटेल आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। साथ में ही दोस्तों आपको रैपिड पीसीआर टेस्ट भी कराना पड़ेगा एयरपोर्ट पर 4 घंटे पहले। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी यूएई टूरिस्ट वीजा पर ट्रेवल करने से पहले। तो टूरिस्ट वीजा पर आप आसानी के साथ में ट्रेवल करेंगे यूएई के लिए। अगली अपडेट कोवैक्सीन को लेकर है दोस्तों, क्योंकि कोवैक्सीन वालों के लिए अभी दुनिया भर के देशों ने दरवाजे बंद किए हुए हैं। डब्ल्यूएचओ ने भी अभी अप्रूवल नहीं दिया हुआ है, अर्जी लगी हुई है भारत बायोटेक की, लेकिन अभी अप्रूवल नहीं दिया हुआ है। लेकिन श्रीलंका ने दरिया दिली दिखाते हुए जो लोग कोवैक्सीन लगवा चुके हैं इंडिया में, कंप्लीट डोज कोवैक्सीन के लगवा चुके हैं, उनके लिए भी दरवाजे खोल दिए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, श्रीलंका उन सारे लोगों को एंट्री देगा जिन्होंने कोवैक्सीन लगवा रखी है। तो इंडिया में जो लोग कोवैक्सीन लगवा चुके हैं और श्रीलंका जाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप श्रीलंका जा सकते हो, आराम के साथ में श्रीलंका जा सकते हो। श्रीलंकन एयरलाइंस के धीमुदु तेन्नाकून ने जानकारी दी है कि श्रीलंका सभी लोगों को एंट्री देगा जो लोग वैक्सीनेटेड हैं, चाहे जो वैक्सीन उन्होंने लगवा रखी है। तो इंडिया में जिन्होंने कोवैक्सीन लगवा रखी है तो वो लोग श्रीलंका के लिए डायरेक्टली ट्रेवल कर सकते हैं। इसके अलावा श्रीलंकन एयरलाइंस ने इंडिया के कई शहरों से, जैसे मदुरई, त्रिची, तिरुवनंतपुरम, कोचीन, नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद से फ्लाइटें भी शुरू कर दी है। लॉकडाउन से पहले
श्रीलंकन एयरलाइंस भारत के 11 शहरों से 120 फ्लाइटें ऑपरेट करती थी हफ्ते में, तो अब फ्लाइटें फिर शुरू हो रही है बड़ी संख्या में श्रीलंकन एयरलाइंस की। और साथ में श्रीलंका आप जाएंगे अगर आपने कोवैक्सीन लगवा रखी है तो भी आप श्रीलंका के लिए ट्रेवल कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी खबर है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया भर के और भी देश जो है जिन्होंने कोवैक्सीन वालों को रोक रखा है अभी उनको ट्रेवल करने नहीं दे रहे हैं, साथ में WHO जल्द इसको अप्रूवल दे ताकि जो लोग कोवैक्सीन लगवा चुके वो लोग भी बिना किसी परेशानी के ट्रेवल कर सके। तो बहरहाल दोस्तों ये कुछ अपडेट, आगे कोई और अपडेट होगी फ्लाइट और ट्रेवल को लेकर, खासतौर पर इंडिया, सऊदी, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान, दुबई या इसके अलावा कोरोना काल में यात्रा के नियम को लेकर कोई अपडेट होगी तो वो आप तक पहुंचाई जाएगी। इसके लिए आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, थोड़ा बहुत हमारे चैनल का भी ख्याल रखिए। गुड बाय।